I am Dr. Gulfam. I am Associate Professor at NAML and I am Vice Chairperson at Pakistan Incubation Network. And currently I am heading Pakistan's largest incubation at NAML also. So to start with, let me introduce our host, our guest, Ms. Hera Batul Rizvi. She's a tech entrepreneur, as well as she's an engineer, she's a policy analyst, she's project manager as well. And more than that, she's Ackerman Fellow and Fulbright Scholar. So, हम सबसे पहले मिस हेरा से ये पूछेंगे कि उनकी जो entrepreneurial journey है उसके हवाले से, because let me recall कि मैं एक तो Harvard का article पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि although Harvard has created the top leading CEOs of the world, still they are not capable to create the entrepreneurs. And they are the employees of the entrepreneurs that were from the average university. So being an entrepreneur is something जो जिसमें आपके MIT से जो Harvard हैं उनके लिए भी ये challenge है. So every entrepreneur is different with his or her different life story. So we will be more interested in listening कि हेरा आपकी जो life story है वो क्या थी, आपकी inspiration क्या थी और उसमें आपके क्या challenges आए. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गुलफाम साहब, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी स्पीकिंग विद ऑल ऑफ यू टुडे. तो एंटरप्रेन्योरशिप रियली इज नथिंग बट आई फील अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड आई थिंक दैट इज अ स्किल दैट वी नीड टू इम्पार्ट टू आर स्टूडेंट्स, बी दे एट हार्वर्ड और बी दे एट NAML, अक्रॉस द वर्ल्ड. आई फील तो सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो important चीज है वो है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, एंड आई फील माई स्टोरी इज नॉट एनी डिफरेंट. मेरा ताल्लुक यू नो पाकिस्तान से है, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान. और जब मैं अपनी आला तालीम के लिए पाकिस्तान से बाहर गई तो मैंने देखा कि जो सोल्यूशंस मौजूद हैं इंटरनेशनली वो काफ़ी यू नो वो ऑफकोर्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं. तो उसी तरह उन सोल्यूशन से इंस्पायर होकर आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ सोल्यूशन फॉर द पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स बाय एंड लार्ज. बट समथिंग दैट वॉज वेरी डियर टू मी वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ग्रोइंग अप इन इस्लामाबाद आई रियलाइज्ड कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी वर्किंग वुमेन के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही मेजर कंसर्न है जिसको प्रॉपरली कभी किसी ने टैकल नहीं किया. तो उसको सॉल्व करने के लिए आई न्यू दैट यू नो वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल दैट एग्जिस्टेड इन द कंट्री, और वो था जी कारपूलिंग सॉल्यूशंस, जो लोकल आपके शिफ्ट वाले और यू नो टैक्सी ड्राइवर्स और जान पहचान के लोग प्रोवाइड कर रहे थे. बट उसके लिए कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था. तो उसको हमने एक इंटरेस्टिंग तरीके से टैकल किया यूजिंग टेक्नोलॉजी. आपने मेरा बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस किया तो ऑफकोर्स यू नो बीइंग एन इंजीनियर एंड हैविंग द टेक्निकल एबिलिटीज आई थॉट दैट मे बी वी कुड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम इन सारे राइडर्स और ड्राइवर्स को एक प्लेटफॉर्म दें जिससे वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें और एक कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड एनवायरमेंट में सेफ्टी के साथ कारपूल सर्विसेज अवेल कर सकें, विच इज नोन एज जी कैब इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. सो शी कैब है, अगर आप देखें कारपूलिंग का भी आइडिया आप कह रहे थे कि कॉमन है, प्लस हमारे पास क्रीम जैसी या ऊबर जैसी एग्जांपल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं. बट स्टिल अगर हम उसकी एवेल्यूएशंस की बात करते हैं तो मल्टी बिलियन डॉलर्स की एवेल्यूएशंस हो रही हैं और मर्चर्स और एक्विजिशंस हो रहे हैं. सो कहने को तो बड़ा आसान सा आइडिया जो है वो नजर आता है, बट वन यू डिप इनटू इट तो फिर आपको पता चलता है कि कितने चैलेंजेस जो हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं. सो एट दिस यंग एज, ठीक है ना, इट्स नॉट एन इजी टारगेट कि हम उसको जो अचीव करें. सो आपको चैलेंजेस अभी भी आ रहे होंगे और ओवरऑल आए भी होंगे, तो एक तो चैलेंजेस कैसे थे और आप उसको कोप किस तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज लो कॉस्ट में होते हुए आप पायलट जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर उनको करना है, स्पेशली यू आर फोकसिंग द फीमेल्स. सो हमारे जो हैं थोड़ा सा सोशल जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी एसोसिएटेड हैं इन तमाम की तमाम चीज़ों से, फिर ट्रस्ट सेक्टर और दूसरे भी मामला हैं. सो उनको थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कीजिए. बिल्कुल, सो स्टार्टिंग ऑफ कोर्स लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर एवरी बिगिनर आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये था कि
अपने करियर को मूव अराउंड करना. यू नो आई हैड अ वेरी स्टेबल जॉब, डिग्रीज थी मौजूद, तो यू नो इट वाज अ क्लियर, इट वाज एन इजी पाथ फॉर मी टू टेक. वही 9 to 5 जॉब वाला, एंड यू नो उस कंफर्ट के अंदर रहते हुए अपनी मतलब जिंदगी गुजारना. तो सबसे पहले तो ये था कि गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड यू नो गेटिंग ऑन द फील्ड एंड स्टार्टिंग समथिंग व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने फेस किया. फिर उसके बाद पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर करना, स्पेशली एज अ वुमन, एंड यू नो नॉट इवन एज अ वुमन, बट आई फील दैट इन ऑन्टरप्रेन्योरशिप वन मेजर प्रॉब्लम इज मनूवरिंग अराउंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट वी हैव. तो वो होगा जी आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर करने से लेकर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आना. तो इस तरह के यू नो थ्रू आउट द जर्नी एक्सपीरियंस क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, एंड यू नो आई थिंक आई डोंट थिंक आई बी एबल टू डू जस्टिस इन जस्ट नेमिंग ऑल ऑफ देम और यू नो टेलिंग यू वन बाय वन. But generally, regulatory constraints have been a major problem for us as an entrepreneur and, you know, as a social enterprise. So are you hopeful कि with the passage of time उनमें कुछ solutions आ रही हैं, क्योंकि यूज सिस्टम थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है और सोशल रियलाइजेशन भी हो रही है, या यू फील के So वैसे I ही? am very hopeful. To be honest, with this government, I've seen that you know we have progressed far far beyond what we were doing with other governments. तो यू नो फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, द प्रोग्राम्स दैट यू आर डूइंग, आइडिया जस्ट हो गया, नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर्स हो गए पाकिस्तान में, एंड एक जनरल इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन की जो यू नो फरावानी हो रही है, ये पहले मौजूद नहीं थी. तो दिस इज वेरी हार्टनिंग. तो आई फील दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड लिटिल बाई लिटिल. मगर जो मैं यू नो आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहूंगी कि हमारी ओके, जरा एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप के लिए और काम करें तो यू नो हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक फॉर द अदर 30,000 स्टूडेंट्स दैट यू आर वर्किंग विद फॉर देम टू. वेरी ट्रू। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेहरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इंटरनेशनल को, ये आपने लिया एक्म फेलो फॉर कॉलेज करियर एकेडमिक जो ग्रुप पे, एम आई ऑडिबल नाउ, आपको आवाज आ रही है? योर वॉइस ब्रोक अ लिटिल. नहीं जी, आपकी आवाज वाज ब्रेकिंग अ लिटिल, सो इफ यू कुड रिपीट. अच्छा, हेरा मैं ये कह रहा था, आर यू लिसनिंग नाउ, एम आई ऑडिबल? ओके ओके। सो आपके जो एकेडमिक करियर ग्रोथ है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एक्मन फेलोशिप्स, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूशन से भी आपने जो है, पाकिस्तान से भी आपने एजुकेशन ली होगी, इस ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है उसमें उसको आप किस तरह से एडवाइस करेंगे टू द स्टूडेंट्स के डाइवर्सिटी इज गुड, और यू इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड यू रियलाइज कि आपने एक फील्ड से दूसरी फील्ड में स्विच करना है, वॉज इट इंटेंशनल या एक नेचुरल जो आपके एवोल्यूशन प्रोसेस था उसने इसको जो है वो सपोर्ट किया, और सेकेंडली ये जो स्विचिंग है डिफरेंट स्टेजेस पे, फिर आपने उनको मैनेज जो है वो किस तरीके से किया? आई फील दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपकी रिसर्च आप थोड़ी सी करें अबाउट वॉट द वर्ल्ड नीड्स एट द मोमेंट, एंड देन यू नो नो वन नोज वॉट द करियर पाथ इज गोना बी इवेंचुअली. तो व्हेन आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग, आई रियलाइज दैट यू नो आई डिड वॉन्ट टू परस्यू हायर एजुकेशन. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी. तो आई रियलाइज दैट मास्टर्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉज मे बी नॉट द राइट थिंग फॉर मी. It, you know, I see that a lot of people go for masters and then pursue PhDs and higher education in the same field. But knowing myself, and I felt that, you know, I wanted to do something beyond, because while I was good at writing codes and, you know, doing the core engineering work, I felt that मेरे अंदर कुछ और करने की सलाहियत भी थी. तो एज आई सेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू रियली यू नो पैशनेटली. और मुझे लगता था कि खाली एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करके, जिस तरह की मैं जॉब्स कर रही थी, मुझे वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, विच इज वाई देन आई परस्यूड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लेटर ऑन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू काइंड ऑफ यू नो मिक्स एंड मैच डिफरेंट फील्ड्स. एंड बस वो इसी तरह हुआ कि मैं रिसर्च करती थी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फॉर अ पर्सन लाइक मी.
and then I would hop on. Unfortunately, by the grace of God, things really fell in place one after the other. So it wasn't that I knew clear cut, okay, मुझे ये करना है, तो this is where I want to go. So slowly, little by little, you have to know yourself and you have to keep researching and just keep growing. I feel growth mindset is something which is very important to be taught to our students, our kids, the younger generation. So just don't be stagnant and just, keep wanting to grow. And it's the evolution process perpetually, It you realize कौन सी अपॉर्चुनिटीज होनी है. डेफिनेटली. बेसिक जो ट्रेट्स हैं, व्हाट यू फील मेथेरा, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें क्या होने चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड सस्टेन एंड सक्सीड इन पाकिस्तानी एनवायरमेंट. एक तो जी रेजिलियंस, क्योंकि हमारी खवातीन वैसे ही काफी रेजिलियंट होती हैं, मगर कॉन्स्टेंटली स्टार्टिंग योर बिजनेस नो मैटर व्हाट इट इज थ्रोज अ लॉट ऑफ फायर बॉल्स एट यू. तो जस्ट हैविंग द रेजिलियंस टू वर्क अराउंड इट और द पेशेंस एंड परसिवियरेंस, क्योंकि पेशेंस इसलिए चाहिए होती है कि आपको आपको नहीं पता कि इफ टुमारो इज गोना बी एज रोजी एज इट इज टुडे और टुमारो माइट बी बेटर. तो हैविंग द पेशेंस टू सर्वाइव थ्रू that would be the second, and being persistent. Persistence would be to keep doing, keep trying. Not everything works, and not everything that you have in mind would turn out to be eventually the way you anticipated on ground. तो और वो यही बात है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज बहुत फर्क होती हैं. यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स हैपन. तो जस्ट बीइंग पेशेंट, परसिवेरेंट एंड रेजिलियंट इन दीस टाइम्स थ्रू आउट द जर्नी इज आई थिंक वेरी आपको इंपॉर्टेंट. लगता है पाकिस्तान में टू स्टार्ट अ बिजनेस मेल और फीमेल अगर दोनों ही स्टार्ट करते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, या आपको लगता है कि डिफरेंस होगा चैलेंजेस के हवाले से? So, to be honest, when I'm introduced to a female entrepreneur, I do not appreciate that because I feel that, if we are entrepreneurs irrespective of our gender, the traits similar to a male entrepreneur. The thing that I feel is missing in female entrepreneurs, and sometimes जो ये है कि they're far more forward, they come out very strongly. And they would be perceived in a different light. तो वो perception का फर्क है और एक ये कि अपने आप को they try male entrepreneurs sell themselves very easily and female entrepreneurs kind of keep a lot hidden within. तो I feel कि ये एक ऐसा trait है जिसके अंदर हमारी खवातीन जरा ज्यादा अगर काम करें उस पर and I feel I am struggling with that myself sometimes. I don't share as much as I should, and matlab, having done the same amount of work or perhaps more, so I feel that is something which we need to inculcate, and this is a personality trait between men and women, the difference between the two. So, having said all the challenges that you are facing, आप अपने आप को पाकिस्तानी यूनिकॉर्न के तौर पे देखती हैं still, और you have fingers crossed, inshallah someday. इंशाल्लाह जी. We're working hard, but वो यही है कि I think with patience, perseverance, success also comes. So yeah. Thank you very much, Ms. Sarah. Thanks for joining us for that session. It was a pleasure. Thank you very much for having us, Dr. Guzman.